हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। और ये मैडम जी क्या देख रहे हो भाई मोबाइल के अंदर? अपने लिए कुछ देख रही थी मोबाइल में। तो गाइस, मोबाइल में हेलो ये गाइस, गुड छानबीन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये मिंत्रा के अंदर जा चुकी है। और मिंत्रा से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही। मैं कम से कम भी 25 मिनट के अंदर कम से कम भी 525 बार बोल चुका हूँ भाई नाश्ता दे दे। और ये मिंत्रा के अंदर ना मोबाइल में ये मिंत्रा खुला हुआ है। ये देखो, जब मैं ये घुस देखो, ये जाती देखो। मैं किसी अच्छा अपने लिए निकाल रही थी, तो ये घुस जाती है ना एक बार बाहर मिंत्रा निकल मोबाइल के गई। अंदर, तो वो निकलना मुश्किल हो जाता है इसका। और कम से कम 525 बार मैंने इसको बोल दिया नाश्ता दे दे, मगर इसने एक बार भी नहीं नाश्ता नहीं दिया मैंने अभी कहा तक। बना के रख दिया, 2 मिनट ले लो, जान पहचान मुझे परेशान कर देगी, कुछ देखे ही नहीं। भाई देखो, नाश्ता दोगे तो हम दुकान पे जाएंगे। हाँ तो 2 मिनट रुक जाओ, दे रही हूँ ना, एक्टिंग करते तो रहो गाइस मुझसे कम से तो। कम पिछले 25 मिनट से यही बोल रहे कि 2 मिनट रुक जाओ, मगर वो 2 मिनट नहीं आ रहे। 25 मिनट बीत चुके वो भी हैं 2 मिनट आएगी नहीं मगर वो दो मिनट नहीं आ रहे हैं। अंदर हाँ जी, तो गाइज बस नाश्ता वास्ता करते हैं। अभी नाश्ता मिलेगा तो करेंगे ना यार, तो उसके बाद जाएंगे फिर शॉप पे, ठीक है? तो गाइज फाइनली मैंने नाश्ता कर लिया। और ये देखो सामने बाहर, ये देख रहे हो अच्छी सी बढ़िया सी धूप निकल चुकी है इस वक्त, और अच्छा मौसम हो रखा है बाहर का। और बस नाश्ता नुश्ता कर लिया, दुकान में जाने की कर रहे हैं तैयारी करेंगे। और मौसम बहुत खुला हुआ मौसम है, और मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइज फाइनली मुझे मैंने नाश्ता कर लिया अपने आप ही, और मैडम ने देखे आप ही अभी तक भी नहीं उठी मैडम, एक काम फटाफट करो, दिया और बैठ गई है मैडम जी नाश्ता नाश्ता करने के मारने लिए। जा रहे हो, बोली जा रहे हो, खा लिया खा लिया, ये कपड़े तो चेंज कर लो, टी शर्ट मैं टी शर्ट यही डाल के जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत अरे नहीं है, चेंज कर लो ना, तेरे कपड़े किसके लिए रखे फिर? कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। आज ब्लैक कलर है, मंगलवार है, आज ब्लैक आज कलर डालेंगे। मंगलवार को कौन ब्लैक पहनता है? तेरी तरह ऑरेंज ऑरेंज डाला हुआ है तो मैंने हनुमान तो जी। ऑरेंज पहनी है, तो कट स्लीव ये जैकेट शनि पहनी देवता, है, शनि देवता, तो मैं तो हनुमान जी हूँ और शनि देवता एक, मतलब एक ही है यार, सारे ठीक भगवान एक ही होते हैं यार, कोई बात अच्छा। नहीं। तो गाइज नाश्ता नुश्ता हमने कर वैसे है लिया तो है। सही ऑरेंज कलर की, अरे मैं ओरिजिनल डालता हूँ काफा यार की अभी पहन लेती मस्त, टी शर्ट स्वेट टी शर्ट नहीं, अभी स्वेट टी शर्ट निकाल मतलब दियो। वो ऑरेंज वाली है इतनी कहाँ प्यारी पर है, है अंदर है पड़ी है, निकाल के दे दो भैया, निकाल दे मैं उठाओ। देखता हूँ दोपहर को जाता हूँ। भैया कहते हैं कॉटराइस की शर्टे वगैरह बन रही है, उसके अंदर अच्छा कोई अच्छा सा कलर, मेरे को ना दालचीनी जैसा कलर भैया कहते हैं, तो देखता हूँ लेकर आता हूँ यार वो वाइन सा कलर, ठीक है? दालचीनी जैसा, बाय 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 अच्छा बाय, अब निकलते हैं। तो गाइस चलते हैं दुकान पे और सीधा मिलेंगे अब शॉप पे। चैरी आ चुका है, चैरी को लेकर आ चुका है, वारी है काकू के लेने के लिए। चले बेटे रौनक, टाइम हो गया, काफी हो गया, लेट हो गया, सुबह में आ रहा हूँ। जी गुड आफ्टरनून, क्या लेने रुक गए हो? चिप्स लेने रुक गए हो? ले लो, कौन से चैरी तू कौन सा खाएगा? ब्लू ब्लू कौन सा वाला खाएगा? ग्रीन वाला, चलिए 2 पैकेट ले ले। और कुछ लेना है काकू? और कुछ लेना बाबू? आइसक्रीम इसलिए नहीं दिला रहा, गला खराब है, ठंड ठंड वाला मौसम है, हैं? ठीक नहीं हो गया, आइसक्रीम नहीं खानी, चिप्स सिल्वर और काट ले। तैयार हो चलने के लिए? रॉली शर्ट लेकर आया हूँ, ये देखो खोल के देखो। अच्छा ये ना अभी बन रही थी, वो फैक्ट्री से लेके आया हूँ, कंपनी की शर्ट है ये। अच्छा जी, वो भैया जानते हैं उनके फैक्ट्री में, कहते हैं कार्पेटिंग कराने के लिए, तो फैक्ट्री में काम चल ही रहा था, तो उनसे ये शर्ट अच्छा कलर अच्छा है। अभी इसमें कच्ची शर्ट है, मतलब फैक्ट्री से सूट में अगर कपड़ा लेके इसमें पैनल गले की पैनल लगा के सूट बनाओ, कितना प्यारा है। ये कॉटराइज वाली है ना, ये कॉटराइज मुझे आजकल कॉटराइज की शर्ट शनील वाली आते हैं ना, ये बाहर 1800-1900 रुपए की शर्ट है। अच्छा भैया सैंपल बन रहा था तो मैं कह रहा हूँ भैया भैया शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, कह रहा किसको चाहिए? मैंने कहा भैया मेरे ने डालनी है, कहता ये ले, कह रहा कौन सा कलर चाहिए? मैंने कहा ये वाला कलर चाहिए, तो कह रहे ये ले जा। मैं क्या पैसे ऐसे काकू के लिए भी ले आना, एक ले आऊंगा बनवा के नहीं, वो ये बनती है ना फैक्ट्री में, इसको साइज तो तुम्हारी बड़ी होगी ना, ये वो तो कोई काम था, मैं भैया के पास गया था, वो कहते 12-13 कलर थे, कहते कौन सा पसंद है? कहते ये बड़ा चल रहा है, ये मैंने वीडियो में देखे थे, बहुत अच्छे अच्छे थे, कलर बड़ा अच्छा ना, ये वाइन बिल्कुल अलग सा कलर है, बड़ा चल रहा है ना वैसे, तो मैंने कहा चलो भैया दे दो एक, मैं भी मंगवा लूंगी एक दो अपने लिए, फैक्ट्री से ही उठा के ले आया सीधा, ओपन में पहन लो। और क्या कह रहे, जो तेरे को कलर उठाया चाहिए पसंद उठा और निकल ले। मैं कहा पैसे, कह रहा पैसे खाते पीते लेता रहूंगा। मैं कहा ठीक है दे दो, गिफ्ट दे दिया, अभी तो प्रेस वेस करनी है इसको। हाँ, सही है, तभी बैठा नहीं है ना एकदम। चलो वही जा रहे ट्यूशन भाई, बताता हूँ। रसमलाई कल मैं लेकर आया था अपने लिए, डॉली के लिए, सार्थक के लिए और काकू के लिए। एक काकू हमारे हमारे घर में ना काकू बच्चा है, ये पीछे जो खड़ा है ना मेरे, ये काकू बच्चा है, ये क्या करता है, ये अपनी रसमलाई खा लेता है, उसके बाद फिर कह रहा है कि आप में बेसी ले लूँ। अब ये देखो ये चोर क्या कर रहा है, छुटका रसमलाई चोर। अब ये मेरी हिस्से की रसमलाई खा रहा है, मैंने कहा तू खा ले यार कोई बात नहीं, ट्यूशन जा रहा था ऐसा ही,
नाराज होकर डॉली गला खराब हो रखा है, अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो गाइस मैंने ये डाल लिया शर्ट का कलर, अभी इसको प्रेस प्रेस कर रहा है, मैंने कहा एक बार डाल के देख लेता हूँ कलर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करके एक बार बता देना कॉटराइज की शर्ट क्या कह रहे हो। तो गाइस ये बढ़िया सी बन गई है चाय और मैं इसमें कर रहा हूँ ट्रांसफर चाय दुकान पे लेके जाने के लिए। तो गाइस सर्दियों का मौसम है, मैंने कहा यार सूप पीते हैं जाके, मैंने टमाटो सूप मंगा लिया, शबू भैया हमारे टमाटो सूप लेकर आ गए हैं और गरम गरम टमाटो सूप पीते हैं। शाम के वक्त चाय हम पी चुके थे और तकरीबन टाइम कितना हो गया भाई, 8:30 के आसपास होने वाला है, बस अब घर जाने की तैयारी है थोड़ी देर, मैंने कहा सूप पी के चलते हैं यार बढ़िया से एक। तो गाइस दुकान पे मंगा लिया है वेजिटेबल टमाटो सूप, यहाँ पे मंगल बाजार लगता है और बढ़िया से सूप को किया जा रहा है। तो गाइस बस मंदिर में आया था, आरती चल रही है और बस अब कस्टमर आ गया है सामने, मैं जा रहा हूँ शॉप पर। तो गाइस दुकान पे बैठे बैठे बिल्कुल भगवान जी के दर्शन होते हैं यहाँ पर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ सामने मंदिर में एकदम भगवान जी के। तो गाइस मैं आया हूँ और ये कोको आ गई है मेरे साथ, मैं बाहर बटर लेने गया था, और ये बिल्कुल बैठ गई है मेरे पास आके स्कूटी पे आने के लिए। कोको आएगी स्कूटी पे, मैं अमूल का बटर लेकर आया था और ये बैठ गई जी, आ जा स्कूटी पे आ जा, सार्थक की स्कूटी ले गया था मैं, आ जा और ये आ गई है स्कूटी पे बैठने के लिए, किधर गई, आजा आजा ऊपर ऊपर। तो गाइस ये बिल्कुल स्कूटी के ऊपर बैठ गई है एकदम, चले कोको, कोको देख रही है पिंटे को, वो रहा पिंटा सामने, वो रहा पिंटा, पिंटे हाँ। तो गाइस ये डॉली ने गोभी भून के अच्छे तरीके से फ्राई करके रख दिया, मसाले डाल के इसके अंदर, और इसके अब बनेंगे परांठे, और ये दूध हमने दोनों पतीलों पर रख दिया उबलने के लिए। तो गाइस हम बना रहे थे गोभी के परांठे, मगर बढ़िया सी कढ़ी आ गई है, ललिता भाभी जी ने भेजी है, एक कटोरी हमारी है, एक कटोरी है सोनिया भाभी जी। गाइस ये बन रहा है गोभी के परांठे, बढ़िया से देसी घी में सिक रहे हैं, क्या मस्त वाला धुआं निकल रहा है, और अभी इस पे लगेगा बटर, पैसिफिक मॉल में भी लगी हुई है ना। नहीं मैं तो ऑनलाइन ही बुक कर रहा था, ऑनलाइन बुक कर रहा था, ये भी पैसे बर्बाद जाएंगे, मैंने भी अपनी ऑनलाइन ही बुक करी थी। हाँ, मत भैया हमें वो देखने ही नहीं देगा, आ गया ही नहीं है ये, आ गया अमरूद खा रहा है शुगर, मत करवाने लगा था, कहता बम्बी पापा को सरप्राइज दे देता हूँ, मैं कहा भाई अभी सरप्राइज बन जाएगा, अभी 1500 रुपये 2 मिनट में ऐसी तैसी हो जाएगी। सही बात है, ये बोल ही जा रहा था मेरे को, मैं बेटे जब तक ये एनिमल है ना, ये वाला एनिमल जो बैठा हुआ कंबल के अंदर, बच्चों का अलाउड नहीं है तो फिर हम मैंने देखे ही ना, दिल ले तो बिल्कुल कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे बता, कोई नहीं आप जनाब अपने एनिमल संभालो, मैं आपने जा रही हूँ, मैं अपनी बहनिया को लेकर चली जाती हूँ, बात करता हूँ, मैं एनिमल खा जाऊंगा, ये दो एनिमल संभालूंगा दोनों को, कोई बात नहीं खा के देख लियो। तो गाइस आज का जो हमारा प्लान था टिकट फिल्म देखने का एनिमल, ये हो चुका है कैंसिल, और ये भाई साहब की वजह, छोटे एनिमल की वजह से टीवी में नहीं आएगी, कुछ नहीं आता, सुपर हिट जा रही है, 1 महीने बाद भी नहीं आएगी टीवी में, नहीं आती ऐसी फिल्में, टीवी में आती है 1-1, 6-6 महीने के बाद, टीवी में पहली बात ये फिल्म आएगी ही नहीं, बच्चों को अलाउ नहीं, मतलब टीवी में नहीं आएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, आप गोभी के परांठे खा लिए हैं? हाँ जी खा लिए हैं, इंजॉय कर लिया है? हाँ। चलो फिर कोई बात नहीं, अब कल जाएंगे हम, इसके जाएगा स्कूल और हम जाएंगे एनिमल देखने, नहीं एनिमल नहीं, हम कहीं घूम के आएंगे, कहीं ना कहीं घुमाएंगे दोनों, जो कल बुधवार है छुट्टी है, मैं बहाना बना के आ जाएगा, स्कूल से तेरे निकलना देते हैं, वहाँ परिंदा भी फोन आएगा ना, परिंदे भी नहीं परवार, बेटे 3-3 जगह गेट पास बनता है, उस दिन गाइस को मैंने दिखाया था ये गेट पास बना है, बस वाला गेट पास अलग बनता है, स्कूल से निकलने का गेट पास तेरा अलग बनेगा, तेरे को तो परिंदा भी नहीं पर मार सकता तेरे स्कूल में, तो आप लेने आना, मैं क्यों लेने आ जाऊं, हम घूम फिर के लेने, हमारा प्लान तूने चौपट कर दिया, हम क्यों लेने आए भैया, घूमने निकलेंगे नहा धो के पूजा पाठ करके, फिर जब 2:30 बजे गए तो तेरे स्कूल में आने के लिए, ठीक है अभी नहीं, अब इसको नहीं लेके जाना आप कहीं पे भी, आप आराम से हम जाएंगे, तो पर गोभी के परांठे खा लिए ना इसने, पहले कहता नहीं खाना फिर खा लिया है, वैसे करता ना इतना सही मक्खन का, क्या मस्त लग रहा था परांठा, मक्खन तो कहते मम्मा सुबह भी मुझे कॉलेज में यही दे देना, मैं यही खाऊंगा, मैं ठीक है, चलो ठीक है जी। और गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूले,
और काकू ने कर दिया हमारा प्लान चौपट, मूवी का प्लान हो चुका है हमारा कैंसिल, बाय बाय। नहीं गाइस के भी कमेंट्स आए थे आज की काकू को नहीं जाना चाहिए, मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं। हाँ जी, और अभी अभी कमेंट्स भी आया था कि आप टी शर्ट्स वगैरह कहाँ से वेयर करते हो, भाई जहाँ से मिलती है वहाँ से ले लेते हो, कोई गिफ्ट दे देता है। ये जो बैठी हुई है काली धारी और व्हाइट धारी वाली टी शर्ट डाली हुई है ना, ये जिन्होंने शक डाला हुआ, ये जैबरा ने शक डाला हुआ है ना, यही कभी कोई गिफ्ट कर देता है, कभी कोई गिफ्ट कर देता है भाई। हाँ, तो आप नहीं तो गिफ्ट करेंगे ना, आप दूसरों को ले देते, खुद लेते नहीं हो। जैसे कभी तो मैं तो गाइस अपने आप खरीद लेती हूँ, इनका बिना बोले ही जा ले जाती हूँ शॉपिंग। सिमरन कौर जी का भी कमेंट्स आया था, वो पूछ रही थी डॉली कहाँ की है, मतलब कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से कहाँ की है तो यही की भाई, कहाँ से बिलोंग करती है, बिलोंग करती है उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा से उड़ती उड़ती यहाँ आ गई थी। उड़ीसा से यहाँ पर कैसे पहुंची, कब पहुंची, क्या पहुंची, उड़ीसा। और ये कभी बताएंगे, किसी दिन फुर्सत में बताएंगे कि उड़ीसा से ये यहाँ पर प्रकट कैसे हो गई थी, ठीक है ना। मम्मी पापा लेकर आए थे, दिल्ली और उड़िया की, पंजाबी और उड़िया की, पंजाबी और उड़िया की। और एक कमेंट, एक कमेंट्स मेरे पास ये भी आया था, तो सॉरी बोलता रहता है। एक कमेंट्स ये भी आया था कि आप किसी दिन अपने ब्लॉग की शुरुआत पंजाबी में करना और काफी देर तक पंजाबी ही बोलना, तो आप ये पहले एक बार हम बोल चुके हैं पंजाबी, तो चैलेंज तो नहीं बोला था, उड़ीसी उड़ीसी नहीं, उड़िया बोली थी उड़ीसी, आप तो बोल लो कि हम नहीं बोल पाएंगे पंजाबी भाई। तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और देखते हैं कि काकू फैमिली ब्लॉग का क्या होता है, आज पता चल जाएगा कि रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।